हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शेयर मार्केट टॉक्स में। यहाँ पे गाइस आपको पता है अगले महीने एक साथ चार आईपीओ आने वाले हैं, जिनमें से दो का रिव्यू हमने कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इसमें हम करेंगे मेदांता ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड आईपीओ का रिव्यू। मेदांता मोस्टली आप लोग जानते ही होंगे। इसमें हम लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में और लिस्टिंग के लिहाज से क्या इसमें कुछ बन सकता है या नहीं बन सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे और कई सारी डिटेल्स बात करेंगे। डिटेल रिव्यू होने वाला है, सब कुछ पता चलने वाला है। आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें, पहला आपको पूरा देखना है वीडियो, और दूसरा अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको हमेशा जनरेट्स एसएमटी देता रहा है और आगे भी देता रहेगा। तो यहां पे इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि डीसीएक्स सिस्टम आईपीओ जो कि 31st से ओपन होगा, उसका रिव्यू चैनल पे डाला आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस है, आप देख सकते हो सामने थंबनेल, इसका भी डिटेल चैनल पे डाला जा चुका है, डिटेल रिव्यू जाके देखना, बहुत ही शानदार। दोनों आईपीओ में से आपको समझना किसमें लगाना है नहीं लगाना, डिस्क्रिप्शन में वीडियो के एंड दोनों में दे दूंगा। तो यहां पे मेदांता के डेट से स्टार्ट करते हैं। 3rd of November को स्टार्ट होगा आईपीओ, ओपन होगा। क्लोजिंग डेट 7th को होगी, अलॉटमेंट डेट यहाँ पे 11th को रहने वाली है, और गाइस लिस्टिंग डेट 16 नवंबर को। ₹2 के फेस वैल्यू पे इसका जो प्राइस बैंड है वो ₹336 रखा गया है। तो यहाँ पे गाइस जो प्राइस बैंड है वो ₹336 है, जो कि ₹5 ₹2 के फेस वैल्यू पे है। तो स्टैंडर्ड फेस वैल्यू पे अगर आप करोगे तो इसको 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तो यहाँ पे होगा 10, जो कि स्टैंडर्ड फेस वैल्यू होता है। इसी तरीके से आप 336 को भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा आपका ₹1680। तो गाइस यहाँ पे ₹1680 का इसका एक शेयर आपको मिल रहा है, जो कि ऑलरेडी 5 पार्ट में डिवाइड किया जा चुका है। ये बात आपको ध्यान देनी है। अभी जो फ्यूजन आईपीओ है उसका स्टैंडर्ड फेस वैल्यू पे आईपीओ आया है, प्राइस भी ठीक ठाक सा लग रहा है, वो रिव्यू आप जाके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो इशू का जो साइज है वो है 2205 करोड़ का, यानी काफी बड़ा साइज है। 5 करोड़ फ्रेश इशू है, बाकी बचा हुआ जो सारा का सारा वो है ओएफएस, यानी कि प्रमोटर्स अपनी जेब में लेके जा रहे हैं। फ्रेश इशू सिर्फ 5 करोड़, जो ही कंपनी काम में आएगा, और कहां का काम आएगा अभी ये भी आपको मैं बताने वाला हूं। 1 करोड़ में 44 शेयर मिलने वाले हैं रिटेलर को, और यहाँ पे गाइस एचएनआई और बिग एचएनआई की डिटेल दी हुई है। बात करो रजिस्टर की तो केफी टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे 35% कोटा हमारे लिए रखा गया है। तो गाइस अब आ जाते हैं कंपनी के डिटेल पे। तो मेदांता, अपने नाम ही सुना मेदांता द मेडिसिटी, यहाँ पे गुड़गांव में है, मतलब एक हॉस्पिटल चेन है, ठीक है। तो मोस्टली जो है इनका बिजनेस जो है वो हॉस्पिटल नहीं है, काफी बढ़िया मतलब अमीरों वाला हॉस्पिटल है। तो बिजनेस मुझे नहीं लगता वो समझाने की जरूरत है, लेकिन कुछ डिटेल्स हैं जो इंपॉर्टेंट आपको समझना चाहिए। ये लार्जेस्ट प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी टेरिटरी केयर प्रोवाइडर्स हैं, जो कि ऑपरेट करते हैं नॉर्थ एंड ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया के, नॉर्थ और ईस्ट में ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे इस ग्लोबल हेल्थ के पास 4 हॉस्पिटल करेंटली ऑपरेशनल है, जो गुड़गांव में, इंदौर में, रांची और लखनऊ में है, और एक ये पटना में बना रहा है, ठीक है, जो कि बिहार में है, 5वां अपना, और ये अंडर मेदांता ब्रांड है, ये आपको बता दिया, ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड इनका जो नाम है। एंड गाइस इस कंपनी 2017 में बायोमेकर्स एंड टिश्यू बेस्ड रिसर्च को बढ़ाने के लिए मेदांता इंस्टीट्यूशनल टिश्यू रिपोर्टरी की भी स्थापना करी है, मतलब इनके अंडर ये भी आता है। ये इसकी फाइनेंशियल डिटेल है, जो आपके साथ अभी मैं आराम से डिस्कस करूंगा ही इसके बाद, ठीक है। 30 जून 2022 तक कंपनी का जो हेल्थ केयर सर्विस है वो 30 मेडिकल स्पेशलिटीज में है, करीब 1300 डॉक्टर्स हैं इनके हॉस्पिटल में। हैदराबाद के चारों हॉस्पिटल की गाइस तो वो 4.7 मिलियन स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, और करीब 2467 इंस्टॉल्ड बेड है इनके पास अभी, मतलब 2500 आप मान सकते हो। और यहीं पे आपको बताता चलूं कि जो प्रमोटर्स हैं उनका ये कह रहे हैं 2025 तक ये इसको 3500 बेड तक ले जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन 2025 तक, फाइनेंशियल 2025 की बात करूं उस टाइम तक 3500 बेड, मतलब यहां से 1000 बेड और बढ़ाने की बात कह रहे हैं, ठीक है प्रमोटर्स। यहां पे गाइस इनका एक हॉस्पिटल जो गुड़गांव में है वो बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में नंबर 1 पे भी रैंक किया था 2020, 2021 एंड 2022 लगातार 3 साल। तो वैसे अपने आप में बड़ी बात है कि 3 साल लगातार बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल अब बने रहे। मेदांता का नाम वैसे भी काफी फेमस है, मतलब जो इधर के एरिया के हैं ईस्ट और साउथ के वो इसको जरूर जानते होंगे। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करूंगा इस, तो इनके पास बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स हैं, रिकॉग्नाइज क्लिनिकल एक्सपर्टी है इनके पास, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी हो तो हैंडल करते हैं और बहुत ही सेफली करते हैं। ये अपने क्लिनिकल रिसर्च एकेडमिक्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका, बहुत बढ़िया डॉक्टर्स हैं, जो मशीनरी है वो बहुत बढ़िया है, ये सारी चीजें इनकी बेहतर है। ट्रैक रिकॉर्ड जो है फाइनेंशियली वो भी अच्छा देने को मिल रहा है। पास्ट अगर जो बात करूँ जब से हॉस्पिटल है उसका भी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, कि भाई जो पेशेंट्स गए हैं वो हैप्पी होकर आए हैं, कुछ ऐसा बैड न्यूज नहीं है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे यही सारी इनके कॉम्पिटिव स्ट्रेंथ। अगर जो बात करूँ वीकनेस की, वीकनेस ये कि हॉस्पिटल में क्या होता है, देखो जैसे 1300 डॉक्टर है, ठीक है, तो अब डॉक्टर्स अगर जो उसमें से कहीं जाते हैं 1300 में से 200 डॉक्टर 300 डॉक्टर निकल गए, तो सीधे कहीं इनका जो काम है वो ठप पड़ जाने वाला है, मतलब बंद नहीं हो जाएगा पर धीमा पड़ जाने वाला है। डॉक्टर्स जो है ये हायर करते हैं, सैलरी की बात होती है अगर जो नहीं बात पड़ी तो, हिसाब से जो नर्सेज हैं, जो स्टाफ है वो छोड़ गए तो काफी सारी चीजें रुक सकती हैं, जो इक्विपमेंट्स आते हैं बहुत हाई कॉस्टली आते हैं, उनको अगर जो कुछ खराब हुआ तो बनवाने में बहुत पैसा लगता है। ये अपना हमेशा खुद का हॉस्पिटल बना के ही चला सकते हैं, ऐसे नहीं कि लीज पे ले लें या रेंट पे ले लें, क्योंकि वो पॉसिबल हॉस्पिटल के लिए नहीं हो पाता है।
छोटे हॉस्पिटल हो तो वो कर सकते हैं। ये सारे इनके साथ ड्रॉबैक है, लेकिन बहुत ज्यादा इसको हम ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि कंपनी वेल स्टेब्लिश है ऑलरेडी, नहीं होती तो समझ में आता। इसका फाइनेंशियल डिस्कस करने से पहले बता दूं कि ये जो है इनकी स्पेशलिटी जो है वो कार्डियो में है, कार्डियोलॉजी में, कार्डियक साइंस में, न्यूरो साइंस में, ऑन्कोलॉजी में, डाइजेस्टिव में, हेप्टोबॉयट्री साइंस में, ऑर्थोपेडिक्स में, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी एंड ऑर्कोलॉजी में। तो गाइस ये काफी ज्यादा मतलब वाइड रेंज हो गई अगर जो देखा जाए हॉस्पिटलिटी की। लगभग लगभग मेन जो डिजीज है और मोस्टली वो जो पैसे वाले जहां ज्यादा पैसे खर्च होते हैं वो मेदांता कवर करती है, क्योंकि मेदांता मैं गया हूँ गुड़गांव वाला, ठीक है, तो मुझे थोड़ी सी पर्सनल नॉलेज है इस हॉस्पिटल के बारे में। दबा के पैसा लेते हैं भाई। तो गाइस यहाँ पे बिजनेस आपको क्लियर हो चुका है, फाइनेंशियल की तरफ देख लेते हैं कि फाइनेंशियली कैसी है, क्योंकि आईपीओ बहुत बड़ा साइज है। ये एक टेंशन अभी से है कि क्या करेगी, ठीक है, तो यहाँ पे वो टेंशन दूर कर दूंगा आपकी अगर जो आपको भी टेंशन हो रही हो। तो यहाँ पे जो आपके सामने डेटा है उसमें आपको ये जो पार्ट है 30 जून 2022 का ये स्किप करना है, कंपैरिजन के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे सीधे 2020, 2021, 2022 का हम देखेंगे और ये डेटा क्वार्टर वन का जो अभी जस्ट बीता है 2022 का वो देखेंगे। तो यहाँ पे अगर जो एसेट की बात करो तो 2666 करोड़, फिर 2855, उसके बाद हमें कम होता दिखा है 2694, लगभग सिमिलर सही है, 3145, उसके बाद 3221। तो यहाँ पे अगर जो देखो 2666 से दो सालों में अच्छी ग्रोथ देखने वाली है, 3221 करोड़ का इन्होंने अपना एसेट बना लिया है। यहाँ पे इस बात करें अगर जो रेवेन्यू की तो 1544 करोड़ का रेवेन्यू था जो कि घट के यहाँ पे 1478 करोड़ देखने को मिल रहा है, और ये वही कोविड का पीरियड है भाई। कोविड टाइम में देखो इनका यहाँ पे भी घटता हुआ दिखा है और यहाँ पे भी घटता हुआ हमें दिखा है। तो कोविड टाइम में यहाँ पे 30 जून 2020 के टाइम में काफी अच्छा जंप दिखाया था और यहाँ पे गिरते हुए दिखे क्यों, और ये जो डेटा मैंने इग्नोर ने बोला ये इसीलिए क्योंकि हॉस्पिटल वाला बिजनेस काफी अच्छा कमाया था, लेकिन वो बाद में जाता हुआ भी दिखा है क्योंकि बहुत जो पैसा मिला था इनको वो दिखा नहीं हॉस्पिटल वाले बिजनेसेस को। आप देखोगे अगर जो किसी कंपनी को जाके कोविड वाले टाइम में जो लिस्टेड है मार्केट में उन पे भी वो पैसा दिखा नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे वही बात है। उसके बाद यहाँ पे सीधे हम आ जाते हैं करंट क्वार्टर में, तो गाइस यहाँ दे लो 626 करोड़ को, तो यहाँ पे भी 626 करोड़ क्वार्टर वाइज ठीक है, मतलब 2022 से ऊपर ही जाने वाले हैं ये, ठीक है, जो कि पिछली बार 2022 क्वार्टर में था 2205 करोड़ का। यहाँ पे सीधे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे आपको 36 करोड़ देने को मिल रहा था जो कि यहाँ पे हमें मिला था 30 जून 2020 क्वार्टर में 41 करोड़ का, ठीक है, फिर इसको इग्नोर कर देते हैं, 36 करोड़ के बाद 28 करोड़ वही कोविड वाला टाइम, उसका 196 करोड़ मतलब 2022 के फाइनेंशियल ईयर में, और 2022 के जून में 58 करोड़, 60 करोड़ का है जो कि यहां पे करीब 200-250 करोड़ तक जाता दिख जाएगा। मतलब यहां पे अगर जो मैं देखूं टीटीएम आने वाले अपकमिंग क्वार्टर्स का रिजल्ट अगर जो ऐसे जैसे इस क्वार्टर में, तो ये 200 करोड़ आराम से पार कर जाएगा। इस बार देखो 60 करोड़ का है और तीन क्वार्टर भी पड़े हुए हैं, तो लगभग 200 करोड़ तो आराम से पार कर जाएंगे, 250 करोड़ भी पार कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है, देखो कोविड के टाइम में इनका प्रॉफिट ज्यादा या कम हुआ तो इसको हम कह नहीं सकते क्योंकि मेडिकल भले जितने बिजनेस थे कोविड टाइम में सबका यही हाल देने को मिला था, लेकिन अभी अगर जो आप कंपेरिजन करो 2022 के क्वार्टर में, 2022 का पूरा साल तो 196 करोड़, फिर इस बार भी देखो लगभग 250 करोड़ पार करेंगे, तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो क्लियरली नजर आती हुई दिख रही है। नेटवर्थ आपके सामने है जो कि हमारे यूज में नहीं आने वाला है, ठीक है। बात करें बोरोइंग्स की तो यहाँ पे बोरोइंग्स इनके ऊपर देने मिल रही है, देखो बढ़ती हुई दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे 794 करोड़। अब ये जो बोरोइंग है इनकी ये दो रीजन से है, एक तो ये जो लखनऊ में अपना हॉस्पिटल बना रहे हैं ना उसमें से ऑपरेशनल है बट कुछ बार बेड बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और पटना में मैंने आपको बताया पांचवा, ठीक है, चार था पांचवा पटना में बना रहा है उसके लिए उन्होंने पैसे उठा रखे हैं। तो ये जो आईपीओ है इसमें से 5 करोड़ ये फ्रेश इशू उठा रहा है जो कंपनी काम में आने वाली है, इनमें से 300 से 350 करोड़ रुपए जो लगभग है डेट चुकाएंगे, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट मार्जिन जो है आगे बढ़ता दिखेगा, लेकिन पूरा नहीं चुकाएंगे। अब यहां पे एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि भाई इतना पैसा अगर जब उठा रहे हो अपने लिए मतलब कंपनी का प्रमोटर, तो गाइस ये थोड़ा सा बढ़ा सकते थे इस बिजनेस के लिए कि भाई पूरा का पूरा ये जो लोन है 794 करोड़ वो आईपीओ से निकल जाता, कम से कम 5 करोड़ जमा कर देते इसमें, थोड़ा ही बचता, लेकिन ये नहीं किया है और बहुत ही ज्यादा ह्यूज लोन उठाया। ऊपर से आपके सामने स्क्रीन पे देखो मैंने लगा दिया है जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 35% थी, 2% बेच रहे हैं, 33% यहां पे रहने वाला है। हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, नेटवर्क बहुत बड़ी, देखो यहां पे आपके सामने दिख रही है 1675 करोड़ दिख रहा है, ठीक है, लेकिन यहां पे आपको ये भी सोचना है कि यार 2% बेच के 22 करोड़ इकट्ठा तो कर रहे हो पर वो पैसा कंपनी को हॉस्पिटल को नहीं दे रहे हो, खुद ज्यादा रख रहे हो, यहां पे ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट इनको हिट करेगा। तो फाइनल डिसीजन क्या है मेरा और इस आईपीओ में जाना नहीं जाना, इसके पहले बता दूं कि गाइस देखो आईपीओ में तो आप पैसा बना ही सकते हो अगर जो अच्छा आईपीओ रहा, लेकिन सारे आईपीओ अच्छे नहीं होते, पर शेयर मार्केट टॉक्स का टेलीग्राम हैंडल ज्वाइन करके आप रेगुलर पैसा बना सकते हो आईपीओ से ज्यादा हर एक दिन। यहां देखो आपको निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक में कॉल दी जाती है रेगुलर, 70 पॉइंट अगेन इस कॉल में, 60 पॉइंट अगेन इस कॉल में, ये जबकि निफ्टी कॉल थी, ठीक है, और आसान नहीं होता, ये बैंक निफ्टी कॉल थी, आसान नहीं होता 60 पॉइंट निफ्टी कॉल में बुक करवाना, वो भी मार्केट जब आजकल खराब सा ही चल रहा है, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे 290 पॉइंट का बैंक निफ्टी में गेन और उसके बाद यहाँ पे 135 पॉइंट का। तो गाइस इसका रिपोर्ट भी मैं बना के हर दिन देता हूँ, लास्ट एक दो दिन मैंने कॉल नहीं दी थी मैं छुट्टी पे था, तो यहाँ पे देखो इंट्राडे कॉल भी मिलती है, 1290 से लेके 2000-3000 कमा सकते थे अगर जो 100-200 से देते इंट्राडे में, उसके बाद गाइस आप 1000 से 24000 कमा सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की कॉल में। तो यहाँ पे आप जुड़ के पैसा कमा सकते हो, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर 1 पे मिल जाएगा और नंबर 2 पे न्यूज चैनल का मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन कर लेना। तो
आपको नहीं मिलता है तो शेयर मार्केट टॉक्स फाइंड कर सकते हैं और ये डीपी आपको मिल जाएगी और गाइस यहाँ पे 22.3 के सब्सक्राइबर्स देखने को मिल जाएंगे। तो फाइनली गाइस मेदांता का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है ना वो 5-10 रुपए की डिमांड निकलता दिख रहा है जो कि बहुत ही कम है, मतलब मान लो कि ना के बराबर, कहीं पे डिमांड निकल रही है कहीं पे नहीं निकल रही है। तो ये सर रूमर जीएमपी है और रूमर जीएमपी भी करीब एक लॉट में 220 रुपए का, तो 220 मतलब 1-2%, इसको नीली मानो मत ही मानो आप, इसमें डिमांड निकलती नहीं दिख रही है। इससे बेहतर आईपीओ आपको अगर जो बोलू तो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस देने को मिल जाएगा, कम से कम उसमें डिमांड तो अच्छी है, 7-8%, 9%, 10% जो भी निकल रही है डिमांड तो निकल रही है। और डीसीएक्स सिस्टम आईपीओ भी, इसका रिव्यू देखो चैनल पे पड़ा हुआ, जाके देख लेना। इस आईपीओ फिलहाल का अवॉइड करना है, बहुत बड़ा आईपीओ, बड़ा मुश्किल ही है इसमें कि अप्लाई करके हम निकल जाएं, बहुत ही मुश्किल है इस आईपीओ में और अवॉइड ही करना है। अगर जो कुछ हुआ तो थर्ड देंगे, अदरवाइज मेरी तरफ से तो अवॉइड ही आईपीओ, नहीं लगाना पैसा। थर्ड डे कुछ मिरेकल हुआ और बड़े लोग आए तो देखा जाएगा, लगाना फाइनल वीडियो देता हूं मैं लास्ट डे उसमें ही लगाना है, फिलहाल मेरी तरफ आईपीओ अवॉइड है। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते हैं।